हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स। मैंने आज से इकोनॉमिक्स की जो भी क्लासेस हैं, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स की क्लासेस। मैं आपको बिल्कुल पूरी कंप्लीट इकोनॉमिक्स करके दूंगा। जो भी आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का सिलेबस है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जितना भी सिलेबस है मैं सब कंप्लीट करा के दे दूंगा आपको। आप टेंशन मत लीजिएगा। आप सिर्फ वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी जो भी सिलेबस की जिम्मेवारी है अब वो मुझ पर हैं। आप वो सब मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं आपको सब कुछ करा के दे देता हूँ, ठीक है? तो चलिए हम करते हैं शुरू। आप इकोनॉमिक्स देखो, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है हर लाइन हर वर्ड के बाद आपको कहीं ना कहीं से कंसेप्ट मिलेगा। लेकिन है इजी, लोगों ने इसको ऐसे हार्ड सब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है इकोनॉमिक्स एक सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई, इकोनॉमिक्स की जो जड़ हैं वो क्या हैं, अब हम वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड हैं वो कहाँ से आया, वो किसने दिया, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो कहाँ से डिराइव हुआ, वो सब हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखिए, इकोनॉमिक्स जो हैं, इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लोगों के सोशल बिहेवियर, सोशल साइंस के बारे में बताता है। इकोनॉमिक्स जो है, इट इज़ ए सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस, ठीक है ना? ये हमें बताता है कि लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या रिसोर्सेस हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इन सब चीज़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है? ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक्स जो है, हम एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में या जो भी मैं इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कोई भी लेक्चर बनाऊँगा, मैं सिर्फ आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू जो भी होगा उन पॉइंट्स को पढ़ाऊँगा, न कि मैं थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा पढ़ाऊँगा ताकि आप उससे बोर हो जाओगे। और मुझे लगता है कि हमें उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिर्फ वो चीज़ें पढ़नी हैं जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हम थ्योरेटिकल पोर्शंस की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम थ्योरेटिकल पे जाएंगे तो फिर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको उन पॉइंट्स को डिस्कस करूँगा, उन पॉइंट्स को बोलूँगा जो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट होगा। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ यहाँ से। इकोनॉमिक्स में जो भी मैं पॉइंट बोलूँगा, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा होगा, वो कहीं ना कहीं पे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया होगा या फिर इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसीलिए मैं उस पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। नहीं तो ऐसा मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा जो एग्ज़ाम या जो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, उस पॉइंट को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक्स जो है, हर किसी सब्जेक्ट का फादर आपने सुना ही होगा कि मैथमेटिक्स का फादर कौन है, जोलॉजी का फादर कौन है, बॉटनी का फादर कौन है, स्टैटिक्स का फादर कौन है। उसी तरह से हम पढ़ेंगे यहाँ पे, इकोनॉमिक्स का जो फादर हैं वो एडम स्मिथ हैं। पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव यही बनता है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ, हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का, एडम स्मिथ। यहाँ पर मैंने लिखा होगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे हम बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को बोलते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। मुझे लगता है ये आपको पता चल गया कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स हैं इसकी दो ब्रांचेस हैं, इकोनॉमिक्स जो हैं इसकी दो ब्रांचेस हैं, ठीक है ना? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी
मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? इकोनॉमिक्स जो है इसकी दो ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो फादर है वो कौन है? एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी एडम स्मिथ ही हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जेएम किनीज है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जेएम किनीज है, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जेएम किनीज है। क्यों इन्हें फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है? एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ नेशंस, जिस बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बुक हमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताती है, ठीक है ना। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये बुक हमें बताती है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है। ये बुक हमें बताती है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। उसी तरह से 1936 में एक और बुक आती है जिस बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये जेम किनीज लिखता है 1936 में। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि जब हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स थी तो जेम किनीज को क्या पढ़ी थी कि उसने एक और बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिस उस बुक में सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड चीज़ें लिखी थी, न कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के। मतलब एडम स्मिथ ने तो 1776 में एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशंस, उस बुक में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया गया था, लेकिन 1936 में जेम किनीज ने एक और बुक लिखी जिस बुक का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वो कब लिखी थी उसने? 1936। उस बुक को लिखने के लिए क्या रीज़न था? जेम किनीज को क्या ज़रूरत पड़ी कि उसने एक बुक लिखी? क्योंकि 1929, आपने सुना होगा कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, अमेरिका में, यूएसए में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, यानी यूएसए में पैसों की कमी हुई थी, क्राइसिस हुई थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था 1929 में, यूएसए में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन पड़ा था, ये वजह बनी थी। बस आपको ये याद रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, जेम किनीज ने जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया था किस बुक में? जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस थ्योरी में उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा था। क्यों लिखा था, उसके पीछे का रीज़न क्या है? बस आपने ये याद रखना है कि इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था 1929 में, इसलिए उसको ज़रूरत पड़ी कि उसने माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी कंसेप्ट अब इस बुक में लिखा। अब मैंने आपको बोला, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाया है कि इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी एडम स्मिथ ही है, क्योंकि सबसे पहले कंसेप्ट तो इकोनॉमिक्स का एडम स्मिथ ने ही दिया था, उसी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखी थी, इसलिए उसको इकोनॉमिक्स का फादर बोला जाता है। अब 1936 में एक और बुक आई, जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, वो किसने दी थी? जेम किनीज। इसलिए उस बुक में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया था, इसीलिए जेम किनीज को फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा था। लेकिन कहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, क्या जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हैं, ये दो टर्म जो हैं वो सबसे पहले किसने दी थी? रेगनर फ्रिश। यहाँ पर मैंने लिखा होगा, मैं बताऊँगा आपको यहाँ पे कहाँ पे। ये देखो, माइक्रो टर्म जो है रेगनर फ्रिश ने दी थी। हालांकि ये माइक्रो
देखो एडम स्मिथ ने तो एक बुक लिखी वेल्थ ऑफ नेशन, उस बुक में सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया था। उसी तरह से जेम किनीज ने एक बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उस बुक में मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट के बारे में दिया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में दिया था। लेकिन सबसे पहले टर्म जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म किसने दी थी? रैग्नर फ्रिश ने। रैग्नर फ्रिश ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्म है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो टर्म है वो किसने सबसे पहले दी थी? रैग्नर फ्रिश ने। लेकिन 1776 में एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन, उस बुक में माइक्रो इकोनॉमिक्स के रिलेटेड लिखा था। और जेम किनीज ने 1936 में एक बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उस बुक में दिया था माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। मुझे लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखो ये जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बनी है दो वर्ड से, आता है क्वेश्चंस पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक टू वर्ड्स। इकोनॉमिक्स दो ग्रीक वर्ड से बनी हुई है, आइकोस एंड निमीन्स। आइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड, निमीन्स का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी हाउस होल्ड जो भी आपके रिसोर्सेज हैं घर में उसको कैसे मैनेज करते हो, निमीन्स का मतलब होता है मैनेजमेंट, उन चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हो उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। अब ये मैंने आपको बोला कि अब मैं थोड़े से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस के बारे में आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स जो है ब्रांच ऑफ सोशल साइंस की है, ये तो पता चल गया आपको। अच्छा, हमें पता है कि हमारे पास जितनी भी रिसोर्सेज होती हैं, क्या रिसोर्सेज होती हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम होती हैं और वांट्स हमें ज़्यादा होती हैं। कहने का मतलब मेरे पास 50 रुपया है, ठीक है ना, मेरे पास 50 रुपया, ये मेरा रिसोर्स है, लेकिन वांट्स क्या क्या है मेरी? मुझे पेंट भी चाहिए, मुझे खाना भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, यानी रिसोर्सेज मेरे पास कम हैं लेकिन वांट्स मेरी बहुत हैं। इसी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा कि लिमिटेड रिसोर्सेज मेरी कम हैं, वांट्स मुझे ज़्यादा, मेरी ज़्यादा हैं, ऑप्टिमम यूटिलिटी ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी मुझे हालांकि रिसोर्सेज मेरे पास कम हैं, वांट्स मेरी ज़्यादा हैं, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे कम रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा वांट्स को फुलफिल करना है, ऑप्टिमम यूटिलिटी ऑफ रिसोर्सेज करना है मुझे, ठीक है ना। ये है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। उसके बाद इकोनॉमिक्स उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो कंज्यूमर हैं उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, प्रोड्यूसर है मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए और सोसाइटी को वेलफेयर, सोशल वेलफेयर मिलना चाहिए। यानी इकोनॉमिक्स में क्या है, कंज्यूमर जो है जो किसी भी चीज़ को लेता है, जैसे मैंने कुछ चीज़ लिया, मुझे अगर सपोज़ मुझे भूख लगी मैं 5 केले खाऊंगा, मेरा पेट बिल्कुल मुझे सेटिस्फाई होना है 5 केलों से कि हाँ जी पास मेरा पेट भर गया, मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। कंज्यूमर चाहता है कि मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। प्रोड्यूसर जो बेच रहा है केले मुझे, प्रोड्यूसर चाहता है कि यार मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, ठीक है ना, मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो सोसाइटी है, सोसाइटी चाहती है कि सोशल वेलफेयर अच्छे से होना चाहिए। ये कंसेप्ट भी हम इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसके आगे कल पढ़